सहारनपुर में संकल्प यात्रा के साथ गाड़ी पहुंच रही है जगह जगह पर। सहारनपुर जिला चिकित्सालय के पास वार्ड संख्या 28 की आंगनबाड़ियों कार्यकर्त्रियों सहायिकाओं ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजीव गुंबर के साथ अन्नप्राशन व गोद भराई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लाइव प्रसारण सुनने के बाद वरिष्ठ नेतागण उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की वैन के माध्यम से प्रदेश में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद साधते हुए लाभार्थियों को संबोधित किया और लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। पब्लिक ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न योजनाओं का उल्लेख करते हुए गत वर्षों में पूरी दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाया। मोदी जी ने हमारे लिए ये सब किया है, हम बहुत खुश हैं। हमारे सर की छत भी है और बहुत कुछ ऐसे काम किए हैं जो सभी लोग बहुत खुश हैं। थैंक यू सर, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी। जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, जनता ने हमसे प्यार दिखाया है, बहुत प्यार को हम दुगुना चौगुना 20 गुना लौटाने का काम करेंगे, ना कि जनता को ठगने का काम करेंगे। 75 वर्ष तक इस देश में कांग्रेस ने शासन किया, बहुत लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी से अलग अन्य दलों की सरकार रही, लेकिन आखिरकार देश का विकास क्यों नहीं हुआ? उत्तर प्रदेश के लोगों को आज 6 वर्ष पहले भी गड्ढों में क्यों चलना पड़ा? सड़कों की वजह सड़कों पर गड्ढे नजर आते थे, ऐसा क्यों था? क्या पहले सरकारी के पास पैसा नहीं होता था? क्या पहले सरकार के पास टैक्स नहीं आते थे? क्या पहले सरकार के पास प्रशासनिक अमला जमला नहीं था? क्यों नहीं काम होता था? सोच का अंतर था साथियों, सोच का अंतर है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।